अभी वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज में आए। कैसा है ये कॉलेज? कौन से ईयर के आप स्टूडेंट हैं? फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। कौन सा ब्रांच है? सिविल इंजीनियरिंग। तो कैसा कॉलेज है अगर एक बात में हम पूछना चाहें तो? कॉलेज अच्छा है, बस थोड़ा सा प्लेसमेंट कम है। यहाँ से प्लेसमेंट कितने का होता है लगभग? एनुअल ऐसे ही 3 लाख से। क्यों सिविल ब्रांच तो लड़कियां ज्यादातर अडॉप्ट नहीं करती हैं। आपने सिविल लिया क्या? सिविल यहाँ का ज्यादा बढ़िया है क्या? नहीं, बस ऐसे ही स्टार्टिंग से ही था कि हमें सिविल ही लेना है। अच्छा, 12th करके आई थी या डिप्लोमा करके? 12th करके आई थी। तो जेईई मेंस में क्या परसेंटाइल वगैरह था आपका? 57.6। अच्छा, 57.6%। प्लेसमेंट वगैरह का क्या है सीन? बताइए, चूंकि देखिए प्लेसमेंट का यहाँ पे क्या बता सकते हैं। प्लेसमेंट तो वही जो मतलब ऑफ कैंपस से ही होता है। ऑन कैंपस में बहुत कम मतलब हो जाता है। ऑन कैंपस में कंपनी वगैरह आती है कि नहीं आती? आती है, पिछले बार आई थी। अच्छा, पिछले बार कौन सी कंपनी आई थी? अभी तो हम तो न्यू है तो हमको नहीं पता। आप फर्स्ट ईयर के हैं? तो फर्स्ट ईयर के हैं तो कितना रैंक पे एडमिशन हुआ था? जैसे मतलब जेईई मेंस में क्या रैंक वगैरह था? जेईई मेंस में नहीं दिए थे, बीसीसी दिए थे। अच्छा, बीसीसी दिए। हां, उसी से है। प्लेसमेंट का क्या है? बढ़िया सीन है। क्या पैकेज वगैरह? सीनियर वगैरह से बात की है या अभी चूंकि फर्स्ट ईयर में ये सब सोच ही नहीं रहे? नहीं, ज्यादा कुछ सोच नहीं रहे, लेकिन सीनियर से जितना पता लगा है प्लेसमेंट सही है। अप्रोक्स 7 to अप ही है, 7 लाख से अप है और मैक्सिमम यहाँ पे 48 शायद लगा। अच्छा, हाँ, एक बोर्ड देखा था 8 लाख। कैसा है बताइए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं वीडियो। yes, बहुत अच्छा। उनको देखने में लगे कि हाँ रियल जेन्युइन आप बता रहे हैं। अगर मानिए तो हमारे 38 जिला में अगर मेरे मायने में सबसे बढ़िया कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में मेरे को यही लगता है। हम लोग जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे उस वक्त जो है मैथ में देखें तो बढ़िया कॉलेज, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज। आप लोग सब हॉस्टल में ही रहते हैं? अच्छा, डे स्कॉलर है आप लोग, मतलब घर से ही आते हैं यहाँ पे, है ना? तो मतलब एक घर पे ही रह करके इंजीनियरिंग बनने का मौका मिल रहा है तो अच्छा है। बहुत क्या होगा इससे बड़ा फैसिलिटी हम लोग को। तो आप लोगों को तो फीस भी शायद कम लगती होगी, हॉस्टल की नहीं चार्ज लगती होगी या हॉस्टल का लग रहा है? हॉस्टल का सिर्फ लग रहा है, जो भी है हॉस्टल का, हॉस्टल में जो है उनका फी लगता है। हम लोग का 10 रुपया मात्र फीस। नमस्कार दोस्तों, मैं हुसैबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज। अभी हम आए हुए हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली नई बिल्डिंग बनी है। 2022 में ये बिल्डिंग बनी है और यहाँ पे स्टूडेंट फिर शिफ्ट हुए हैं। एक छात्र हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में आप पढ़ते हैं, कौन से ईयर में पढ़ते हैं? थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है। कैसी पढ़ाई वढ़ाई होती है यहाँ पे? पढ़ाई अच्छी है, अच्छी पढ़ाई है। नए फैकल्टी सब यहाँ, सब बीपीएससी के थ्रू आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सब में सभी टीचर लोग के अंदर अच्छा खासा टैलेंट है। अच्छा, टैलेंट है अच्छा खासा, मतलब पढ़ाई से सेटिस्फाइड है आप? बेसिकली देखिए, हम वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट लोग के लिए क्योंकि 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, मेडिकल फील्ड में जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं। मतलब उनका जितना भी लाइन जो है खुलता है वो 12th के बाद ही खुलता है। अब उनको हमने सोचा कि जो है कॉलेज जा करके स्टूडेंट से बात करके स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करें कि ये कॉलेज उनके लिए कैसा है, क्योंकि क्यूरियसिटी एक रहती है कि किस तरह का कॉलेज है, हमको ये कॉलेज कोई समझा रहा है तो कैसा कॉलेज है, या काउंसलिंग के थ्रू मिल रहा है तो कैसा कॉलेज है, इसलिए बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग जो है कब शिफ्ट हुई है यहाँ पे? 2022 के फर्स्ट वीक के आसपास शुरुआत नहीं हो गई। अच्छा, 2022 के फर्स्ट वीक में ही शुरुआत नहीं हो गई। अच्छा, और आप यहाँ पे 2022 में ही आए हैं? हाँ। पहले आपने क्या किया था, 12th किया था या फिर डिप्लोमा करके आए थे? किया 10th किया, उसका डिप्लोमा किया। 10th और डिप्लोमा किया। डिप्लोमा में कौन से कॉलेज में थे आप? न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13। अच्छा, पटना 13 जो कि सबसे टॉप कॉलेज आता है। और उसके बाद आपने हाजीपुर लिया, मतलब वैशाली लिया। तो क्या इसके बारे में पता था कि कैसा कॉलेज है या कुछ नजदीक रहने की वजह से लिए? थोड़ा बहुत पता भी था और मेरे घर से नजदीक ये पड़ा, इसीलिए ये लिए हैं। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं। वैसे कॉलेज भी सही है, नया बिल्डिंग है, हर चीज है यहाँ पे। टीचर लोग भी अब है ही। जहाँ तक प्लेसमेंट का बात है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ये चीज। अच्छा, प्लेसमेंट वगैरह कितना एवरेज पैकेज मिल जाता है यहाँ पे? एवरेज 3-4 लाख। 3-4 लाख रुपया मिल जाता है ना, जेन्युइन? चूंकि देखिए आप जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई ज्यादा ऊपर भी लोग जाते हैं, लेकिन एवरेज का बात करें तो 3-4 लाख मिल जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे और कौन-कौन सा ब्रांच कौन-कौन सा होता है? ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, 5 ब्रांच है। इसमें सबसे अच्छा है, जैसे हर कॉलेज का एक पार्टिकुलर ब्रांच बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, तो आप चूंकि सीनियर हैं इसलिए जो है कौन सा ब्रांच सबसे बढ़िया माना जाता है यहाँ पे? जैसे ब्रांच जैसे देखिए नया नया खुला है तो पता नहीं चल रहा है। जैसे नया नया की बात नहीं, जैसे है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल ब्रांच का ज्यादा डिमांड है। हाँ, हाँ। तो वो सबसे फर्स्ट जो स्टूडेंट होते हैं प्रेफर करते हैं सिविल ब्रांच का। हाँ। तो या फिर जैसे उसका कटअप भी हाई जाता है सिविल लेने के लिए, तो ज्यादातर बच्चा उसमें अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और भी सब ब्रांच वैसे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। हाँ। और फैकल्टी भी सब अच्छे हैं, फैकल्टी भी सब है सभी। किधर है इसका? ये तो एकेडमिक, थोड़ा तो चलिए ना हमारे साथ। ये तो एकेडमिक बिल्डिंग है ना? हाँ, ये जो बिल्डिंग है ये एकेडमिक बिल्डिंग है। इसका हॉस्टल किधर है? हॉस्टल ये आगे जाइएगा तो सबसे फर्स्ट बिल्डिंग जो आती है वो हॉस्टल का बिल्डिंग है। अच्छा, बॉयज हॉस्टल, वो हॉस्टल का बिल्डिंग है ना? वहाँ पे वो हॉस्टल का बिल्डिंग है। नहीं, ये गर्ल्स हॉस्टल है, उधर बॉयज हॉस्टल है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है, आप हमारे हाथ के इशारा से देख सकते हैं, और उसके पीछे बॉयज हॉस्टल है ना। और अभी जो है स्टूडेंट सब निकल भी रहे हैं यहाँ पे, मतलब पढ़ाई वगैरह रेगुलर चल रही है यहाँ पे, है ना? क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास वगैरह चल रहा है सब, है ना? और कुछ अगर बोलना चाहे स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, आपके हिसाब से? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा बेस्ट कॉलेज है? बेस्ट सभी कॉलेज है वैसे, लेकिन अगर कुछ जो लेना चाहे तो उनके लिए भी खराब नहीं है, सही है। हाँ, एक मिनट टाइम दे दीजिए ना। हम जो है बेसिकली स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि 12th के बाद उनको लगता है नहीं कौन सा कॉलेज बेटर है, तो सोचे कि जो है जा करके कॉलेज में बात करके आपसे आप अगर बताइएगा तो स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आया कि हाँ ये कॉलेज कैसा है। अभी वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज में आया, कैसा है ये कॉलेज? कौन से ईयर के आप स्टूडेंट है? फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। कौन सा ब्रांच है? सिविल इंजीनियरिंग। तो कैसा कॉलेज है अगर एक बात में हम पूछना चाहें तो? कॉलेज अच्छा है, बस थोड़ा सा प्लेसमेंट कम है। यहाँ से प्लेसमेंट कितने का होता है लगभग? एनुअल ऐसे ही 3 लाख रुपए तक का एनुअल होता है। तो क्या रैंक वगैरह जेईई मेंस में कितना आया था, कितना परसेंटाइल था जो आपने ये कॉलेज चूज किया, या किसी ने सजेशन दिया था? सजेशन देने वाले मेरे घर में थे दीदी, तो उन्होंने ही दिया था। अच्छा, उनको यहीं से पास आउट थी। तो कहाँ से पास आउट थी? जीसी वैशाली से। अच्छा, वैशाली से। तो ये वाली बिल्डिंग तो शायद 2022 में ही आई। हाँ, उनका उस टाइम जब वो गोरवाल में था कॉलेज, उससे गोरवाल से ही पास आउट थी। तो उनका प्लेसमेंट वगैरह हुआ है कहीं पे? उस टाइम प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं आता था, अब तो यहाँ थोड़ा बहुत आने भी लगा, पहले उस टाइम नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? ब्यूटी भारती। आपका क्या नाम हुआ? अनमोल। कैसा कॉलेज है? बहुत बढ़िया कॉलेज है एक्चुअली, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है फिलहाल। अच्छा, अच्छे से पढ़ाई हो रही है। कौन सा ब्रांच है आपका? सिविल ही, हम लोग का फर्स्ट ईयर सिविल ही ब्रांच है। क्यों? हाँ। सिविल ब्रांच तो लड़कियां ज्यादातर अडॉप्ट नहीं करती हैं, आपने सिविल लिया क्या? सिविल यहाँ का ज्यादा बढ़िया है क्या? नहीं, बस ऐसे ही स्टार्टिंग से ही था कि हमें सिविल ही लेना है। अच्छा, 12th करके आई थी या डिप्लोमा करके? 12th करके आई। हाँ। थी। तो जेईई मेंस में क्या परसेंटाइल वगैरह था आपका? 57.6। अच्छा, 57.6 परसेंटाइल था, है ना? कॉलेज बेसिकली ठीक है, और हॉस्टल में भी यही सामने वाले हॉस्टल में रहती है ना? क्या खर्चा वगैरह क्या लग जाता है? ये भी बता दीजिए, डे स्कॉलर होता क्या है? जो बाहर से आते हैं और हॉस्टलर जो हॉस्टल से होते हैं। अच्छा, डे स्कॉलर का मतलब आपका घर यहीं है? हाँ, यहीं पे घर। हाँ। है। तो फीस वगैरह कितना देते होंगे आप इस कॉलेज के लिए? फीस बस स्टार्टिंग में लगता है ना, रजिस्ट्रेशन टाइम और देन एग्जामिनेशन टाइम। हाँ, तो क्या लगता है ये भी जरा पता चल जाए ना, कितना आपने दिया? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, अभी हमारा एग्जाम नहीं हुआ ना। एडमिशन लेने के टाइम कितना दिया था आपने? एडमिशन देने के टाइम में आई थिंक 31-32 ऐसे ही, 31-32,000 यही दिया था। क्या नाम हुआ आपका? अनमोल शालिनी। हम बेसिकली बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाते हैं, तो जो है बात करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट को पता नहीं रहता कौन सा कॉलेज बढ़िया है, या बहुत सारे लोग बता दिए तो ऐसा होता है कि फंस गए लेकर के, तो एक वीडियो बनाना चाह रहे थे कि जो है स्टूडेंट को डायरेक्ट पता चले, इसलिए कॉलेज में आकर के वीडियो बना रहे हैं। तो कैसा कॉलेज है ये? अच्छा है पूरा। प्लेसमेंट वगैरह का क्या है, कितना का प्लेसमेंट दे देता है? प्लेसमेंट, हाँ, अच्छा का मतलब क्या आप मान रहे हैं कि मतलब कि पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है या प्लेसमेंट भी देख रहे हैं? माहौल अच्छा है, पढ़ाई का माहौल अच्छा है। कितने मतलब फैकल्टी सब अच्छे हैं? हाँ, कौन सा ब्रांच है आपका? इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। तो प्लेसमेंट वगैरह का अभी आइडिया नहीं है, एक कौन से ईयर में है आप अभी? अभी थर्ड ईयर है। तो आपके सीनियर वगैरह का कुछ प्लेसमेंट वगैरह हुआ हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो? मैक्सिमम ऑफ कैंपस लिया। मैक्सिमम। तो कितने का मिल जाता है पैकेज? ऑफ कैंपस कहना मुश्किल है, थोड़ा उतना बात हुआ नहीं है उन लोगों से। अच्छा। तो आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ना? कितना जेईई मेंस में कितना रैंक वगैरह था? रैंक वही 4 लाख समथिंग था। 4 लाख समथिंग था। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको मिला है ना। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नीरज। नीरज कुमार। कौन से थर्ड ईयर में है आप भी? जी। प्लेसमेंट वगैरह का क्या है सीन? चूंकि देखिए प्लेसमेंट का यहाँ पे क्या बता सकते हैं। प्लेसमेंट तो वही जो मतलब ऑफ कैंपस से ही होता है, ऑन कैंपस में बहुत कम मतलब हो जाता है। कभी ऑन कैंपस में कंपनी वगैरह आती है कि नहीं आती? आती है, पिछले बार आई थी। अच्छा, पिछले बार कौन सी कंपनी आई थी? मतलब वही बायजूस आती है और मतलब 10 लाख पैकेज देती है बायजूस। हॉस्टल में ही रहते हैं यहाँ पे? जी जी। क्या हॉस्टल और जो है एकेडमिक दोनों अगर मिला करके देखें तो कितना चार्ज वगैरह लगता है साल का? 28,000 मतलब 6 मंथ का हॉस्टल का इंक्लूडिंग मतलब फीस 28,000 रुपया लगता है। तो 28 × 56,000 का मोटा मोटी लगता है ना। और वर्कशॉप वगैरह आपका ब्रांच कौन सा है? इलेक्ट्रिकल। तो वर्कशॉप वगैरह कैसा है? अच्छा, मतलब कुछ लैब वो सब कुछ पूरा है। मतलब फैकल्टी भी यहाँ का मस्त है, मतलब अच्छा पढ़ाता है, पढ़ाई अच्छी होती है। मतलब आप सेटिस्फाइड है कॉलेज से। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। भाई जो है वीडियो बना रहे हैं वैसे स्टूडेंट के लिए, जैसे कि 12th के बाद स्टूडेंट को होता क्या है कि किस तरीके कॉलेज में एडमिशन लें, क्या प्लेसमेंट रहता है, कभी कोई गलत गाइड कर देते हैं तो कॉलेज में जाकर फंस जाते हैं, उनके लिए बेसिकली वीडियो बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली कैसा कॉलेज है? बढ़िया। प्लेसमेंट वगैरह के लिए? प्लेसमेंट भी ठीक है। अभी तो हम तो अभी न्यू है तो हमको नहीं पता। आप फर्स्ट ईयर के हैं? तो फर्स्ट ईयर के हैं तो कितना रैंक पे एडमिशन हुआ था? जैसे मतलब जेईई मेंस में क्या रैंक वगैरह था? जेईई मेंस में दिए थे, बीसीसी दिए थे। अच्छा, बीसीसी दिए? हां, उसी से जी। बीसीसी का एग्जाम दे करके आप आए हैं एडमिशन? तो क्या लेटरल एंट्री के थ्रू आया? क्या वैसे ही आया बिना लेटरल? अच्छा, बीसीसी के थ्रू। दो तरीके से एडमिशन होता है ना, जेईई के थ्रू भी और बीसीसी के थ्रू भी। तो बीसीसी में क्या रैंक वगैरह था? बीसीसी में 2900 था। 2900 रैंक था। आपका क्या नाम हुआ? रोनो कुमार वर्मा। कैसा कॉलेज है? बहुत ही अच्छा कॉलेज है। आप भी बीसीसी का एग्जाम दे करके आए हैं? हाँ, एंट्रेंस में। मतलब कोई गाइड किया या आपने से रिव्यू वगैरह चेक करके कॉलेज करके? यहाँ पे मेरे भैया पल पढ़ते थे तो वही रिव्यू दिए कि अच्छा कॉलेज है, जाकर एक बार। भैया अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, भैया अभी एयरफोर्स नेवी का आर्टिक किए थे तो निकल गया तो चले गए। अच्छा, यहाँ पे तो भैया आपके कहाँ गोरौल से पढ़े थे या? गोरौल से ही पढ़े होंगे ना, क्योंकि 2022 में सुने की ये कैंपस यहाँ पे बना है। पहले ये जेपी पॉलिटेक्निक में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फैकल्टी वगैरह कैसे है? कौन सा ब्रांच है आपका? मैं इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि इसी का प्लेसमेंट बढ़िया नहीं जा रहा है सारे कॉलेज में। इसी क्या है सीन? यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीन है। जो सीनियर हैं जहाँ पे प्रिंसिपल सर बोलते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है। अच्छा, डिसिप्लिन है। और आ जाइए ना, थोड़ा सा नीचे आ जाइए ना। हाँ हाँ, प्लेसमेंट का क्या है? बढ़िया सीन है। क्या पैकेज वगैरह सीनियर वगैरह से बात की है या अभी चूंकि फर्स्ट ईयर में ये सब सोच ही नहीं रहे? नहीं, ज्यादा कुछ सोच नहीं रहे, लेकिन सीनियर से जितना पता लगा है प्लेसमेंट सही है। अप्रोक्स 7 to अप ही है, 7 लाख से अप है। और मैक्सिमम यहाँ पे 48 शायद लगा है। अच्छा हाँ, एक बोर्ड देखा था 8 लाख। एस एल पी है। कौन से ईयर का मतलब कौन से ब्रांच का? सर मैकेनिकल था। मैकेनिकल का लगा ना, साइंस। और फैकल्टी वगैरह कुछ नाम वगैरह बताइए जो आपको सबसे फेवरेट फैकल्टी है? फेवरेट फैकल्टी है गणेश सर, जो मैथ के टीचर है। अच्छा, बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं। मैथ तो शायद फर्स्ट ईयर में होता है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत होता है। हां, फर्स्ट ईयर का इसी में थोड़ा टफ है। फर्स्ट ईयर में क्या-क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए। में डिफरेंशियल कैलकुलस से पढ़ना है, पार्शियल डेरिवेटिव। हां, केमिस्ट्री, मैथ, बीपीएस। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना रहता है फर्स्ट ईयर? केमिस्ट्री में एटॉमिक एंड मोलेकुलर स्ट्रक्चर हो गया, स्टीरियोआइसोमर्स हो गया, पीरियोडिक फंक्शनल प्रॉपर्टीज हो गया। फिजिक्स में क्या पढ़ना रहता है? फिजिक्स हम लोग का नहीं है, फिजिक्स सेकंड सेम में है, इसी ब्रांच का सेकंड सेम। अच्छा अच्छा, इसी ब्रांच का सेकंड। और इसके अलावा जो डिजाइन वगैरह के लिए कुछ पढ़ा जाता होगा? हां, ये मैकेनिकल वाला इंजीनियरिंग डिजाइनिंग शायद बोलते हैं। हां, ईजीडी ये भी हम लोग का सेकंड सेम में है। अच्छा, सेकंड सेम में नहीं है। तो ओवरऑल मतलब बढ़िया कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज। लड़का का रैंक अगर है 3 लाख 4 लाख तक तो ये कॉलेज चूज कर सकता है ना, बहुत ही अच्छा कॉलेज। क्या फीस वगैरह क्या ले लेता है हॉस्टल वगैरह मिला करके? हॉस्टल फी अभी है 29,980 एंड यहाँ का एडमिशन फी तो आप जानते हैं बिहार में 10 रुपीज है एडमिशन फी। और मैकेनिक ट्यूशन फी 10,000 रुपए है। हाँ, एडमिशन फीस 10,000 रुपया? नहीं, 10 रुपीस। 10 रुपया मात्र। यस, इंजीनियरिंग एडमिशन का सिर्फ। और बाकी जो रहता है ना तो प्रोसेस लग जाता है 3,310 पैसा लगता है। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत कम खर्च में अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज। हॉस्टल में रह क्या माहौल? हाँ, हॉस्टल माहौल बहुत ही अच्छा है, सीनियर बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं। अगर कुछ डाउट भी होता है तो आसपास गाइडलाइन जाके आप पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रौनक कुमार वर्मा। रौनक कुमार। तो आपको ये दिखा रहे थे कि ये कैसा कॉलेज है। अभी जो है आप देख सकते हैं हमारे सामने, हम जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में आए हुए हैं। यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का कॉलेज है ये, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। क्या नाम हुआ भाई? एक मिनट, जो स्टूडेंट के लिए ही वीडियो बनाते हैं कि जो है उनको सही पता चलेगी कैसा कॉलेज है। तो कैसा कॉलेज है ये वैशाली? अच्छा कॉलेज है। फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं? यस सर। जेईई मेंस के थ्रू आए हैं? जेईई मेंस। कितना रैंक था जेईई मेंस में? 51 परसेंटाइल था। अच्छा, 51 परसेंटाइल था। कौन सा ब्रांच है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कहना रहता ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का उतना बढ़िया प्लेसमेंट नहीं जा रहा, क्या सही है? आप तो अपने सीनियर से बात वगैरह किए होंगे, क्या है? खुल करके थोड़ा सा बताइए। अभी तक प्लेसमेंट का उतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन टीचर्स जैसा बताते हैं फैकल्टी हमारे कि अभी आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर्स का जो होगा, जिसके पास वो ज्यादा अच्छे जगह पे उसका रहेगा जो भी है। तो 15,000 करोड़ रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। ये आप सही बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को सेमीकंडक्टर का जो है ये सही बता रहे हैं। तो मतलब आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ से? हाँ। क्या नाम हुआ? आदित्य सिंह। आदित्य सिंह। तो हम यही बात कर रहे हैं कि इसलिए क्योंकि स्टूडेंट को सही पता चले कि कौन सा कॉलेज है, मतलब अच्छा है कि नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट फंस नहीं जाते हैं। ये तो खैर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, काउंसलिंग के थ्रू आपको मिला होगा। कॉलेज एक्चुअल में है कैसा, ये जानना चाह रहे हैं। कॉलेज तो बहुत अच्छा है। कॉलेज अच्छा है, सब अच्छा है, फैकल्टी टीचर सब, फैकल्टी टीचर सारे, सीनियर लोग सब, हाँ सब सब। बताइए ना, कितना जेईई के थ्रू आए या बीसीसी के थ्रू आए? जेईई के थ्रू। जेईई कितना रैंक था? रैंक मेरा यही 8,000 के। 8,000 याद नहीं है सर। मतलब कौन से ईयर में है अभी आप? 23 बैच, इसी बार। अच्छा, इसी बैच, इसी बार आपका। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। तो वर्कशॉप वगैरह कैसा है? ठीक है, मतलब सिखाया जाता है यहाँ पे, मतलब वेल्डिंग कैसे होता है ये सब। फर्स्ट ईयर में तो वही सिखाया जाता है, वेल्डिंग सिखाया जाता होगा, फिर जो है कारपेंट्री वगैरह सिखाया जाता होगा, तो ये सब सिखाया जाता है। कैसा है बताइए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं वीडियो। यस यस, बहुत अच्छा, देखने में लगे कि हाँ रियल जेन्युइन आप बता रहे हैं। अगर मानिए तो हमारे 38 जिला में अगर मेरे मायने में सबसे बढ़िया कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में मेरे को यही लगता है। MIT को और भारत तो ज्यादा बोलते हैं, तो लेकिन आप थोड़ा सा उसको डिफेंड कीजिए कि वो बढ़िया है या नहीं। हमको तो ये कॉलेज छोड़ दिया जाए, तभी नया में जो बना है उसके कंपेयर में बेहतर है। फैसिलिटी में क्या क्या मिलता है? जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट को जो जिम वगैरह मिलना चाहिए, हॉस्टल में स्विमिंग पूल वगैरह रहना चाहिए, तो वो सब क्या फैसिलिटी है? तो सर अभी ये सर ये सब होगा। हमारे प्रिंसिपल सर बोले ये कॉलेज अभी न्यू न्यू बना है, तो कुछ बढ़ने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो हमारे कॉलेज के पीछे बहुत बड़ा कैंपस बन रहा है सर। हमारे प्रिंसिपल सर इतने अच्छे हैं कि जो नहीं होना चाहिए वो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से। ये सर अभी न्यू न्यू खुला है, अभी मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये सर। कैसा प्लेसमेंट वगैरह है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ पे मानिए तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। एवरेज कितना पैकेज चला जाता है? एवरेज सर यहाँ पे अभी हाईएस्ट 16 लाख का गया था, एक है रजनीश सर उनका। अच्छा, ये सर अभी वो यही है। और एवरेज कितना जाता है? एवरेज 7, 5, 6, 7, 8 मतलब इसी में जाता है। मतलब अगर 2.5, 3, 4 मान के चले तो उतना तो इतना तो सबको मिल जाता है, इतना तो सबको मिल जाता है सर। क्या बोलते हैं आप, बताइए एवरेज पैकेज, मतलब एक जेन्युइन बताइए। जैसे एक कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा तेज होता है जिसकी वजह से कॉलेज चलती है, उसका नाम होता है, तो एक-दो का करोड़ों में पैकेज चला जाएगा, लेकिन उनकी वजह से सारे स्टूडेंट का तो करोड़ों में पैकेज नहीं जाएगा। एवरेज बताइए कितना मिनिमम मिल जाएगा? 5 से 6 साल को सर मिल जाएगा। अच्छा, 5 से 6 लाख रुपए तक मिल जाएगा आसानी से, है ना? क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार। कौन से ईयर में है अभी? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। क्या जेईई के थ्रू आए थे या बीसीसी? जेईई के थ्रू आए थे। कितना रैंक वगैरह रहा था? मेरा रैंक नहीं, परसेंटाइल 52 रहा था। अच्छा, 52 परसेंटाइल रहा था। ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप वगैरह कैसा है? ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट ईयर में पढ़ना क्या क्या रहता है? पीपीएस पढ़ना रहता था, और केमिस्ट्री में मैथ है, और WMP है, इंग्लिश भी है। डिजाइन वगैरह भी कोई सब्जेक्ट वो है सेकंड सेमेस्टर से। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल और मैकेनिकल का है। अच्छा, हम लोग को सेकंड सेमेस्टर। आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं, बता दीजिए? इंग्लिश वाले सर, प्रदीप सर। इंग्लिश में एक्चुअली क्या पढ़ाते हैं? यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग कर लिया, कैसे आप इंटरव्यू दे सकते हैं किसी के सामने, यही सिखाते हैं। सॉफ्ट स्किल के बारे में, ग्रुप डिस्कशन के बारे में सिखाते हैं। बहुत अच्छे से हमारे प्रदीप सर बताते हैं। अच्छा, आपके फेवरेट टीचर? हमारे फेवरेट टीचर इमाम सर है, डॉक्टर इमाम हसन। अच्छा, ये सब वो केमिस्ट्री बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, समझिए। तो तीन इंजीनियरिंग में जरा जानना चाहे कि इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं, कोई योगदान है क्या? सर अगर केमिस्ट्री ना रहे तो मतलब समझिए कि उसका भी बहुत रोल है केमिस्ट्री का इंजीनियरिंग में, वो भी फर्स्ट ईयर में बहुत रोल है। क्या रोल है सर? केमिस्ट्री का रोल है, जैसे ब्रांच कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, बाई चांस 4 साल के बाद मेंटेनेंस का काम मिल जाता है। अगर लैब का काम आपको मिल गया तो बिना केमिस्ट्री के आप कुछ नहीं कर पाइएगा, इसलिए केमिस्ट्री वहाँ काम देगा। अच्छा, इसके अलावा फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर टच करते हैं? फिजिक्स सर हम लोग को 2nd सेमेस्टर में पढ़ना है। अच्छा, हाँ, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE। यस सर, बेसिक इंजीनियरिंग उसमें क्या पढ़ना रहता है? सर उसमें वही इलेक्ट्रिकल सब के बारे में है सर। 2nd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल। और मैथ में क्या पढ़ना रहता है? मैथ में मतलब मानिए ज्योमेट्रिक्स सब हुआ। अभी बेसिक हम लोग जो 1st ईयर में पढ़े थे उस वक्त जो है मैथ में डिफरेंशिएशन था, M1 M2 करके हम लोग ग्रेवाल के हम लोग बुक पढ़े थे। आप लोग और सब्जेक्ट यही सब ना, कैलकुलस वगैरह है हम लोग का। तो सर EC ब्रांच है तो उसमें सर इंग्लिश है, WMP। 1st ईयर में तो शायद कॉमन रहता होगा, जैसे सर ये थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे हम लोग CAC हो गया। अच्छा, CAC IoT का हो गया। हाँ। और EC हो गया। हाँ। तो उसका क्या है कि जैसे मैथ है, WMP है, इंग्लिश है। हाँ। और ये केमिस्ट्री है। हाँ। और PPS। अच्छा, और सब जैसे डबल ई हो गया और सिविल हो गया और उसमें EGD और जो और क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको। हाँ, और एक BEE और सब कॉमन ही है, मैथ्स नहीं है। मतलब थोड़ा सा छांट करके आप पढ़ाते हैं। WEE मैथ्स भी है, WEE जैसे सर उन लोगों में मैथ्स का दूसरा है, मैथ्स हम लोग का मैथ हार्ड है। इलेक्ट्रिकल नो सर, अगर अभी भी आप देखिए गूगल पे तो सर वर्ल्ड टफेस्ट ब्रांच इलेक्ट्रिकल ही है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच WEE और EC का मैथ बहुत टफ। सिलेबस लगता है कुछ अभी चेंज हुआ है? सिलेबस बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हो गया। सिलेबस पहले सर बहुत नॉर्मल था लेकिन अब बहुत हार्ड हो गया। हम लोगों के टाइम में क्या था कि 1st ईयर में सबको कॉमन पढ़ाते थे। सिलेबस लिमिट भी नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कितना पढ़ना वो भी नहीं पता, पूरा एकदम डिफरेंशियल है, आप जहाँ तक जा सकते हैं। क्लास वगैरह जो है लाइव वगैरह भी अगर मतलब स्टूडेंट के सहूलत के अकॉर्डिंग तो लाइव वगैरह भी कुछ चलता है क्या? अच्छा, चलता है। मतलब एवरेज अगर देखें तो बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। आपको हम ये दिखा रहे थे क्या और कुछ बोलना? तो इम्प्रूव हो रहा है, तो और इम्प्रूव हो रहा है। जिम वगैरह है कि नहीं है? जिम ये तो पढ़ाई से रिलेटेड बात हो गई, अब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड क्या क्या हो रहा है? नहीं सर, जिम बन रहा है सर, जिम बन रहा है। ये सर वो हमारे हॉस्टल है ना, बॉयज हॉस्टल, उसी के सामने जिम बन रहा है कुछ दिन पहले। अच्छा अच्छा, आप लोग सब हॉस्टल में ही रहते हैं? अच्छा, डे स्कॉलर है आप लोग, मतलब घर से ही आते हैं यहाँ पे, है ना? तो मतलब एक घर पे ही रह करके इंजीनियरिंग बनने का मौका मिल रहा है तो अच्छा है। बहुत क्या होगा इससे बड़ा फैसिलिटी। तो आप लोगों को तो फीस भी शायद कम लगती होगी, हॉस्टल की नहीं चार्ज लगती होगी या हॉस्टल का लग रहा है? हॉस्टल का सिर्फ लग रहा है, जो भी है हॉस्टल का, हॉस्टल में जो है उनका फी लगता है। हम लोग का 10 रुपया 10 रुपया मात्र फीस। जैसे रजिस्ट्रेशन सब अप्रोक्स पूरा जोड़ जाके 40-45 पड़ जाएगा 4 ईयर 4 ईयर का, 40-45 पढ़ाई का हॉस्टल का हटा के 41,000 है पूरा एकदम। जो और स्कॉलरशिप वगैरह भी कुछ मिल जाएगा? EMS है और पोस्ट मैट्रिक वही हुआ और एक आदमी NSS है। अच्छा अच्छा, और उसको सब है, वो भी क्रेडिट कार्ड भी सब अप्लाई करवा रहा है, वो भी सब है अपना। मतलब बढ़िया है ना, बहुत अच्छा। आप लोग सैटिस्फाइड है ना? मतलब कोई भी जिसका 3 लाख 4 लाख 5 लाख रैंक है वो ये कॉलेज मगर आता है तो बढ़िया है ना। आने वाले टाइम में हो सकता है कंपटीशन और बढ़िया हो जाए। ये सर इस कॉलेज के लिए कंपटीशन और हार्ड होने वाला आने वाले समय। यस सर, क्योंकि सर यहाँ पे अगले ईयर से एमटेक का भी पढ़ाई हो रहा है। EC ब्रांच का हो गया, एमटेक की पढ़ाई, एमटेक का भी हो गया है। ठीक है, तो वीडियो को आप समाप्त करते हैं। आपको जो है हम आए हुए थे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में। बोल दीजिए, आप ही लोग बोल दीजिए, अरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, इतना तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। कैसा कॉलेज है बता दो, लास्ट में समाप्त कर दो इसको। सर बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। आप लोग आइए और इस कॉलेज में मतलब आपको और कोई फैसिलिटी अदर कॉलेज में नहीं मिलेगा जो इस कॉलेज में आपको मिलेगा। बहुत अच्छा सर, आप आगे कैंपस वगैरह दिखाइए पीछे का सर, बहुत अच्छा कैंपस है। अभी तो जैसे स्टूडेंट का रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको ये हमने वीडियो दिखाया, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली से, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो हम कौन से कॉलेज का बनाएं। और अगर आपको चैनल हमारा बढ़िया लग रहा है कि आपके लिए कुछ काम कर रहा है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए।